केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा के लिए संस्थान के द्वारा एक बैच आयोजित किया गया है। बहुत सारे छात्र जो कि लगातार संपर्क में थे अपने अपने माध्यम से अलग अलग तरीके से हम सबसे कि सर जो है सीटेट 2020 के लिए बैच स्टार्ट करना है, उसकी पढ़ाई करनी है, कैसे उसको हम लोग तैयार करें, तो हम लोग उन्हीं सब चीज़ों से प्रेरित होकर के एक बैच लाए हैं 2020 की परीक्षा के लिए, जो कि जुलाई में प्रस्तावित तो है लेकिन अभी बड़ा संशय बना है लॉकडाउन की परिस्थितियों की वजह से, इस समय देश की स्थितियों की वजह से। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि चलिए कुछ प्रयास किया जाए, जैसे कि सीटेट 2020 को हम लोग आपके लिए थोड़ा सा सफल बनाने की कोशिश करें। हालांकि हम लोग पूरी तन्मयता के साथ, उसी जोश के साथ, उसी उम्मीदों के साथ, उसी तरीके से जुटेंगे जैसा कि तमाम सारे बैचेस में करते आए हैं। अध्यापक पात्रता परीक्षाएं आपको पता है कि जैसे जैसे अलग अलग तरह की होती है, टेट के लिए हम लोगों से बहुत सारे लोग जुड़े भी थे, सीटेट का हम लोग लॉन्च कर रहे हैं तो सीटेट में भी उसी तरह का प्रभाव हम लोग डालने की कोशिश करेंगे। सीटेट एक ऐसी परीक्षा है जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल आपको देने की आवश्यकता नहीं है। या केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा है तो जाहिर सी बात है केंद्रीय विद्यालय या जो है नवोदय विद्यालय या सेंट्रल लेवल की जितनी भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर की वैकेंसीज होती हैं, इसी एलिजिबिलिटी टेस्ट पर आधारित होती है। कुछ मैं आज इस परीक्षा से रूपरेखा को, उस परीक्षा से संबंधित रूपरेखाओं को, इसके पैमानों को, साथ साथ मैथ विषय के पाठ्यक्रम को और साथ साथ मैथ विषय को कैसे करा जाए, इसके तरीकों की, इस स्ट्रैटजी को मैं डिस्कस आपकी क्लास के माध्यम से करूँगा। हम लोग सभी लोग धीरे धीरे एक दूसरे एक अलग अलग अपने सब्जेक्ट्स को लेकर के आपसे इंटरेक्ट होते रहेंगे। संस्थान की तरफ से भी ऑथेंटिक सूचनाएं बहुत जल्दी आपको प्रेषित कर दी जाएगी। मैं शुरुआत करता हूं जैसे सीटेट केंद्रीय पात्रता परीक्षा, अध्यापक पात्रता परीक्षा 2020 को लेकर के। इसमें कुछ बातें जैसे मैं आपके साथ शेयर करूंगा अबाउट द फर्स्टली एग्जाम, क्योंकि मुख्य उद्देश्य यही है कि हम परीक्षा को क्रैक करें, तो परीक्षा से संबंधित सही जानकारी भी रखना आवश्यक होता है। प्रस्तावित परीक्षा 5 जुलाई 2020 को है लेकिन अभी संशय बना हुआ है, 90% मानकर चलिए परीक्षा आपकी सितंबर से पहले नहीं होने वाली है, लेकिन इस बात को अभी हम अपने मुंह से नहीं कह सकते, ना पूरी तरह से हम इस बात पे श्योरिटी दे सकते हैं। हालांकि हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि हम कम समय में भी बहुत अधिकतम करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे और 100% करेंगे। इस उम्मीद के साथ ही हम लोगों ने बैच को प्लान किया। कभी कोई चीज़ को अगर प्लान करते हैं तो उसके पीछे हम कर्मठता को अपनी जानते हैं, हमको पता है कि हम उसको कवर कर सकते हैं, हमको पता है कि हम उसमें अपना जी जान झोंक सकते हैं, तब हम उसके ऊपर रखते हैं, नहीं तो हम लोग किसी भी ऐसी प्रकार की परिस्थितियों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते जहाँ से जगहसाई की बात आए। हमको पता है कि हम कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने इस परीक्षा को पैटर्न को समझ करके इस पे आगे बढ़ने की कोशिश करी है। अब मैं एग्जाम के ऊपर, एग्जाम से थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा पैटर्न्स के बारे में। तो आपको पता है कि 2 प्रकार का पेपर होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। जैसे कि टेट परीक्षा में आपने देखा था, आपको पता है कि जो पेपर 1 होता है वो क्लास 1 टू 5th के लिए होता है, जबकि पेपर 2 आपके लिए क्लास 6 टू 8 तक के लिए होता है। हालांकि 9 टू 10th का भी जो स्टैंडर्ड होता है वो पेपर 2 पे बेस्ड होता है। पेपर 2 मैथ्स एंड साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए होता है, उन्हीं विषय के लिए यहाँ पर दिया जाता है। लेकिन हम सबसे तैयारी करने वाले दोनों प्रकार के लोग होते हैं, यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पेपर 1 भी डाल के रखे होते हैं, पेपर 2 भी डाल के रखे होते हैं। हम ऐसा पैटर्न उठाएंगे कि हम पेपर 1 एंड पेपर 2 साथ में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे और 100% करेंगे। जब भी हम टॉपिक को रिलेट करेंगे एक दूसरे के साथ, तो हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम हम बेसिक को उठा करके हाई लेवल तक जाएंगे, जो भी रिलेटेड टॉपिक है उनको एक दूसरे के साथ ही कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सीटेट का एग्जाम बाकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जो कि एक दूसरी होती हैं, इवन टेट की भी बात कर रहा हूँ, सबसे पूर्णतया अलग होती है। इसका पैटर्न, इससे संबंधित कोई टेक्स्ट बुक किसी भी तरह की ऑथेंटिक मार्केट में अवेलेबल नहीं होती है। हम लोग जो यहाँ पर पढ़ते पढ़ाते हैं उसका एक सही अपने ऊपर किया गया एक एक्सपीरियंस होता है, जिसके माध्यम से हम आपको चीज़ें प्रेजेंट करते हैं। इसलिए किसी भी किताब के चक्कर में, किसी इस प्रकार की ऐसी डिटेल की चक्कर में आप लोग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। एक जो सही रूपरेखा, सही पैटर्न आपको पढ़ाया जाएगा उस पर फॉलोअप करिए, संबंधित प्रैक्टिस सेट जो हम लोग प्रोवाइड करेंगे उस पर आप लोग फोकस करिए, वही सबसे बड़ा यहाँ पर पैटर्न रहेगा। मैं आगे बढ़ता हूँ तो थोड़ी सी बातें और डिटेल आपको कर दूँ। पाठ्यक्रम के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, मैथ्स विषय को लेकर के, गणित को लेकर के। तो पाठ्यक्रम भी दोनों रूपों में अलग अलग तरह से हम चलेंगे। सबसे पहले पेपर 1 के बारे में आते हैं। पेपर 1 में अगर हमने देखा तो कुल 30 अंकों का पेपर है, और इस परीक्षा की बड़ी खासियत यह है कि इसमें अंक बटे होते हैं 2 प्रकार से। जैसे टेट परीक्षा में तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसमें जो है आपके अंक निर्धारित रूप से बटे होते हैं। न्यूमेरिकल में 15 अंक जाता है, तो 15 अंक पेडागॉजी में जाता है, 15 अंक का न्यूमेरिकल होता है पेपर 1 में। पेपर 1 का सिलेबस भी आप देखेंगे तो बाकी परीक्षाओं से पूर्णतया अलग दिखेगा। कैसे अलग दिखेगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आप इस न्यूमेरिकल सेक्शन को अगर उठाइए पेपर 1 का, तो शुरुआत देखिए, अधिकतर परीक्षाओं में शुरुआत कैलकुलेशन बेसिक से होती है। यहाँ पे शुरुआत ज्योमेट्री से किया गया, मतलब ज्यामिति से किया गया है, जो कि एडवांस मैथमेटिक्स का पार्ट होता है। अब हम आपको ज्यामिति पढ़ाने के दौरान, जब मैं यही चीज़ पेपर 2 में भी डिस्कस करूंगा, तो वहाँ भी आपको ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी। तो एक बार मैं चीज़ें स्टार्ट करूंगा तो दोनों को लेकर के इन्वॉल्व करूंगा।
ज्योमेट्री जब हम पढ़ेंगे तो आप सबको अच्छी तरह से हर एक फिगर को लेकर के, हर एक चीज को लेकर के, हम हर पहलू को लेकर के आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। जैसे ज्यामिति की शुरुआत हुई कहाँ से, जियो प्लस मेट्रियान शब्द ज्यामिति बनाया, ज्यामिति का उद्देश्य क्या था, मेजरमेंट करना, ज्यामिति में किस चीज का मेजरमेंट किया गया, तो शुरुआत पहले बिंदु से की गई, मतलब किसी एक सरफेस पर एक बिंदु को प्लॉट किया गया, बिंदु से बिंदु को मिलाया तो रेखा बनी, लाइंस बनी, रेखाओं को रेखाओं से मिलाया तो कोण बना, कोणों से अब इन सब तीनों की मदद से हम लोग यहाँ पर फिगर का निर्माण करेंगे, चित्र बनेंगे। आपको अच्छी तरह से पता है कि जो आकृतियां मतलब चित्र होते हैं वो चित्र कितने प्रकार के होते हैं, बंद होते हैं, ओपन होते हैं, रेगुलर होते हैं, इरेगुलर होते हैं, टू डायमेंशनल होते हैं, थ्री डायमेंशनल होते हैं, तो हर एक प्रकार के चित्रों की गंभीरता को आप लोग यहाँ पर ज्यामिति के अंतर्गत पढ़ेंगे। वही चीज देखिए जो यहाँ पर केवल ज्यामिति में हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं, अगर वही स्पेक्टिकल अंडरस्टैंडिंग की बात करें शेप्स को लेकर के, तो सेम चीज हम यहाँ पर इन दोनों को साथ में कवर करेंगे, क्योंकि अलग सी चीजें नहीं है। यहाँ पे कंफ्यूजन इसी बात का रहता है, लोगों को टर्म इसमें अलग अलग लगते हैं लेकिन रिलेट करते हैं एक दूसरे को, तो जब हम एक चीज पढ़ाना शुरू करेंगे हर चीज को उससे रिलेट करने की कोशिश करेंगे, जो जो जहां से चीजें बन पाएंगी साथ में उसको वहीं से अंडरस्टैंडिंग बनाने की उसकी कोशिश करेंगे। इसलिए मानकर चलिए कि नया कुछ नहीं है, उसी से रिलेट करता हुआ टर्म है। जब मैं पूरी ज्यामिति पढ़ा दूंगा तो पूरा पोर्शन आपका अलग से नहीं पढ़ना होगा, पूरी तरह से यहीं से कवर हो जाएगा। सॉलिड से राउंडस, अब देखिए यहाँ पर जब इस सॉलिड से राउंडस की बात करते हैं तो जनरली इसको हम मेंसुरेशन में कवर करते हैं, मेंसुरेशन में कवर करते हैं। जैसे कि आप सॉलिड से राउंडस की बात करिए, होता क्या क्या है, किताब लिए वो भी एक सॉलिड है, पेन लिए वो भी एक सॉलिड है, घर में जो है चेयर रखी हम खुद ही एक सॉलिड है, हमारे सामने जिस रूम में बैठे हैं वो भी एक तरह का खोखला एक सिस्टम है, आपके पास आसपास जितनी भी चीजें हैं सब हम लोग एक सॉलिड फिगर के रूप में इमेजिन करते हैं। उससे संबंधित जो भी मेजरमेंट्स होते हैं, खास करके जिन आकृतियों को हम लोग गणित में पढ़ते हैं, एडवांस मैथमेटिक्स में सॉलिड फिगर्स में, जैसे कि मूलतः घनाप पढ़ते हैं, घन पढ़ते हैं, बेलन पढ़ते हैं, शंकु पढ़ते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में हम लोग यहाँ पर इन बातों को डिस्कस करेंगे। इसलिए यहाँ पर एकदम से मत सोचिएगा कि हिंदी में पूर्णतया हो रहा है या मत सोचिएगा कम्प्लीटली इंग्लिश में हो रहा है, यहाँ पर मिला जुला स्वरूप रहेगा, दोनों लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं अगर आप सीरियसली चीज़ों को रिलेट करते हैं पढ़ते हैं तो, ये मैं आपको सियोरिटी के साथ कह रहा हूँ। तो जब हम सॉलिड फिगर्स की बात करेंगे तो हर प्रकार के फिगर पे उनके मेजरमेंट्स को लेकर के, उनसे संबंधित जितने भी मापन होते हैं उनको लेकर के हम आपको सारी चीजें समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। नंबर्स में बात करें, देखिए अब जैसे नंबर्स की बात किया जाए, नंबर्स एक शब्द लिख देने से बहुत कुछ इसने हमको जानकारी दे दी है। अब आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें यहाँ पर जो आप पढ़ेंगे तो वही कुछ जा करके आपके सेकंड पेपर में भी रिलेट करेगा। तो जब डिटेल हम पढ़ाना ही शुरू करेंगे तो हम एक चीज से ही कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे और इंड अप कर देंगे वहीं पर। तो आप ध्यान दीजिएगा, नंबर्स लिख देने से उसने हमको बहुत कुछ कह दिया, बहुत कुछ कह दिया मतलब पूरे नंबर्स के बारे में जानकारी की बात कर लिया उसने, पूरे नंबर के स्वरूप को, प्लेइंग नंबर्स को, अंडरस्टैंडिंग नंबर्स को, नोइंग नंबर्स को, नंबर्स का सही स्ट्रक्चर, सही क्लासिफिकेशन, उसके सही परिवर्तन, सही रूपरेखा आपको नंबर्स की पढ़नी पड़ेगी। हम उसको एक भी चीज यहाँ पर इग्नोर करके नहीं चलेंगे, हर चीज को, हर पहलू को आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। जब हम कंप्लीट डिटेल लेक्चर आपके सामने देंगे नंबर्स का, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि हर बात आप कवर कर लेंगे, हर बात आप सियोरिटी से समझ लेंगे, इसमें हमें कोई डाउट या शंका की बात नहीं है। केवल नंबर लिख देने से ये मत समझिएगा कि एक दो नंबर के बारे में हम जानकारी रख लिए हो गया, कंप्लीट हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब हम आगे बढ़ेंगे देखिएगा तो लिखा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब सोचिए जब आप संख्या पढ़ेंगे, जो नंबर अभी पीछे आपने पढ़ा था, मूलतया जो संख्याएं हम लोग प्रयोग में लाते हैं कंप्लीटली अगर देखा जाए, हम संख्याएं जो प्रयोग में लाते हैं तो ज्यादातर संख्याएं आपको तीन रूपों में नजर आती हैं। एक तो आप पूर्णांक संख्याएं देखते हैं, पूर्णांक का मतलब होता है जिसमें दशमलव अंक नहीं लगे होते हैं, दशमलव नहीं लगा होता चिन्ह दशमलव का, जैसे 5 लिखा है, 7 लिखा है, 13, 15 इस तरह के नंबर्स लिखे, सिंपली केवल नंबर्स है, ना कोई डेसिमल का टर्म है, ना किसी भी प्रकार के भिन्न का रूप है, तो वह एक पूर्णांक संख्या कहलाती है। लेकिन आप भिन्न भी देखने को आप पाएंगे, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर का भी कॉन्सेप्ट रहेगा, अंशहर का स्वरूप रहेगा और दशमलव का स्वरूप रहेगा। इन तीन प्रकार की जो मूल संख्याएं हैं जिसका प्रयोग हम बेसिक कैलकुलेशंस में अपने करते हैं, बेसिक कैलकुलेशन मतलब जोड़ घटाओ, एडिशन सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन गुणा, डिवीजन भाग। मल्टीप्लीकेशन पढ़ेंगे तो हम वर्ग भी पढ़ाएंगे आपको, ऐसा नहीं कि ही छोड़ दिया जाएगा, स्क्वायर हम आपको, क्यूब भी पढ़ाएंगे, क्यूब हम आपको इसका स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल भी पढ़ाएंगे, हम आपको घनमूल भी पढ़ाएंगे। इस तरह से सारी चीजें एक दूसरे के साथ रिलेट करेंगी, मतलब कोई चीज एक दूसरे को इग्नोर करके नहीं बढ़ेगी, मतलब हर चीज को हम रिलेट करते हुए चले जाएंगे। अब आप ध्यान देने की कोशिश करना, इन तीन प्रकार के अलग अलग संख्याओं को जब हम जोड़ने घटाने गुणा भाग हर जगह पर लाएंगे, हर चीज को अलग अलग तरह से रिलेट किया जाएगा, पूर्णांक को भी जोड़ा घटाया जाएगा, दशमलव को भी जोड़ा घटाया जाएगा, भाग किया जाएगा, उसी तरह से भिन्न को भी जोड़ा घटाया गुणा भाग किया जाएगा, साथ साथ वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल को भी लेकर चलेंगे।
मूलतः जब हम मेजरमेंट्स पढ़, देखिए अब यहाँ पे अगला टर्म देखिए कैसे कन्फ्यूजन हमारे सामने आता है। ये देखिए एक नया शब्द है मेजरमेंट्स। अब मेजरमेंट्स में कितनी चीजों को मेजर किया जाता है बताइए। विज्ञान विषय अगर पढ़ते हैं आप लोग तो कहते हैं मेजरमेंट तीन चीजों का होता है। एक तो आप लेंथ का मेजर करते हैं, टाइम का मेजरमेंट करते हैं, वेट का मेजरमेंट करते हैं। जनरली हम यहाँ पे जब मेजरमेंट्स कहते हैं तो मेजरमेंट्स हमारे यहाँ भी उसी प्रकार का होता है। हम यहाँ पर वेट करेंगे, टाइम करेंगे। अब यहाँ पर लेंथ नहीं है तो लेंथ से रिलेट करता हो वॉल्यूम दे दिया। वॉल्यूम मतलब आप क्षमता कैपेसिटी की भी बात कर रहे हैं। मतलब आप वेट मेजर करेंगे, भार को, भार की तमाम इकाइयों को पढ़ेंगे जो भी इकाइयां रिलेट करती हैं। आपको टाइम देखना पड़ेगा तो टाइम के मेजरमेंट में जितने भी टाइम के अलग अलग टर्म होते हैं, जैसे कि आप बड़ी यूनिट्स को भी देखेंगे, छोटी यूनिट्स को भी देखेंगे। आप जो है घंटे, मिनट, सेकंड, इसको भी देखेंगे। उससे नीचे नैनो, माइक्रो, ये सब भी देखेंगे। उसके ऊपर की भी यूनिट्स को यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा। तो हर एक पैटर्न, हर एक पहलू आपके सामने प्रेजेंट करा जाएगा। वॉल्यूम जो क्षमता है, देखिए अलग अलग फिगर की अलग अलग प्रकार की क्षमताएं होती हैं, लेकिन उस क्षमता को रीड करना, उस क्षमता को मेजर करना अलग अलग फिगर्स पे अलग अलग तरह से रीड करता है, लेकिन स्ट्रक्चर सबका एक ही तरह से होता है। तो मैं आपको वॉल्यूम का एक अलग स्वरूप, डेटा हैंडलिंग। अब आप देखोगे अगर 9th-10th स्टैंडर्ड की बुक में, या हम छोटी क्लासेस में भी देखेंगे 5th-6th लेवल तक, आज 5th-6th लेवल तक में भी डेटा हैंडलिंग, 4th लेवल पर मेरे ख्याल से डेटा हैंडलिंग आता है, जहां पर संख्याओं को रोमन रूप में, जहां पे संख्याओं को उसके जो है अलग से टैली मार्क्स करके अलग अलग तरह से एक ग्रुप में से कलेक्शन को एक नेचर वाइज निकाल करके हम उसको अलग तरह से ट्रीट करते हैं। इस पैटर्न भी आपके सामने होगा। डेटा हैंडलिंग का भी टर्म आपको अलग तरह से, जैसे कि स्ट्रक्चर्ड होता है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर रीड करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग जैसे कि मेजरमेंट्स कंटिन्यू कर रहे हैं, तो मैंने कहा डेटा हैंडलिंग, तो डेटा हैंडलिंग का पोर्शन भी आपने देखा कि कवर किया कैसे होता है। अब डेटा हैंडलिंग के बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग देखिए मेजरमेंट में पैटर्न, जो पद्धतियां होती है अलग अलग प्रकार की, संख्याओं से रिलेटेड, सिंबल से रिलेटेड, और साथ साथ आपके शेप एंड फिगर से रिलेटेड अलग अलग प्रकार की पद्धतियां होती हैं। उन पद्धतियों और अलग अलग तरह से मूल्यों का निर्धारण करना, जो पैटर्न आप समझ सकते हैं कि अलग अलग तरह से मूल्यों का निर्धारण करना, अलग अलग तरह से कैलकुलेट करना, ये सब पैटर्न पे डिपेंड करेगा। साथ साथ मेजरमेंट का एक अहम अंग मनी, रुपया, रुपये का अलग अलग स्वरूप, रुपये का अलग अलग स्वरूप, रुपये के बड़ी और छोटी इकाइयां, हर प्रकार की चीजों को हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, हर प्रकार की चीजों को पढ़ेंगे। पेपर वन का न्यूमेरिकल सेक्शन का पूरा कंप्लीट डिटेल डिस्कशन था। स्ट्रक्चर आपके सामने है, स्ट्रक्चर में कोई छेड़खानी नहीं होगी, कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अब आप जो चीजें हम यहाँ पर अभी बोर्ड पर लिखते जा रहे हैं, एक प्रकार का आपके लिए कमिटमेंट है। हम हर चीज को एक एक करके ही रीड करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। आप भी कहीं भी अगर आपको लगता है कि कोई भी चीजें यहाँ पे डिफरेंट हो रही है, तो आप डिस्कशन कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। मैं पूरी तरह से सियोरिटी के साथ ही अगर रहूंगा तभी मैं बोलूंगा आपसे पब्लिकली खड़ा होकर के। पेपर वन अगर हम कंप्लीट कर रहे हैं तो उसी के साथ साथ हम पेपर टू भी यहाँ पर इंक्लूड करते जाएंगे। अब आप देखोगे तो पेपर टू में बहुत कुछ यहाँ पर रिलेट करता जाएगा जो पेपर वन का है। जैसे कि पेपर टू अगर हम देखें तो सही तरह से अगर हम लोग पेपर टू को भी रीड कर रहे हैं तो क्या स्थिति बन रही है इसमें भी। इसका नाम जो है मैथमेटिक्स एंड साइंस के रूप में दिया गया है। आप अगर सिलेबस उठा के देखिए तो 60 नंबर का कंप्लीट होता है, 60 मार्क्स का होता है, दो रूपों में बटा होगा, 30 मार्क्स मैथ्स के लिए होंगे, 30 मार्क्स साइंस के लिए होंगे। मैथ्स का भी दो डिवीजन फिर से हो जाएगा, 20 मार्क्स यहाँ पर न्यूमेरिकल के लिए रहते हैं, 10 मार्क्स यहाँ पर पेडोगोजी के लिए रहता है। मतलब हम 20 नंबर का न्यूमेरिकल यहाँ पर पेपर टू में पढ़ते हैं, जो कि थोड़ा सा डिटेल्ड होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। अब उस बड़े डिस्कशन को अगर हम लोग करके एक एक करके देखें, देखिए क्या क्या यहाँ पर हमें पढ़ने को मिलेगा। न्यूमेरिकल सेक्शन में सबसे पहले नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम अधिकतर परीक्षाओं में पूछा जाता है, अधिकतर क्या, लगभग सभी परीक्षाओं में नंबर सिस्टम गणित में जरूर पूछा जाता है। ये जितने भी टर्म यहाँ पर लिखे गए हैं सब नंबर सिस्टम के ही पार्ट हैं। इवन मैं कुछ और भी चीजें इन्वॉल्व कर दूंगा, वो भी नंबर सिस्टम का पार्ट ही रहेगा। मैं छोड़ूंगा नहीं एक चीज को, हर एक पहलू को लेके चलूंगा। अब आप खुद ही समझिए, नोइंग द नंबर्स संख्याओं को जानना, प्लेइंग विथ नंबर्स संख्याओं के साथ खेलना, मतलब संख्याओं का सही निरूपण करना, सही तरह से प्रदर्शन करना, होल नंबर्स पूर्ण संख्या, नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स ऋणात्मक संख्या और पूर्णांक, ये सब कुछ जब हम नंबर सिस्टम पढ़ाना शुरू करेंगे, संख्या पद्धति को पढ़ाएंगे, तो संख्या पद्धति में मैं इन सारी चीजों को यहाँ पर लेकर चलूंगा, एक भी चीज में छूटेगी नहीं। पूरा इसका वर्गीकरण जिस दिन आप पढ़ेंगे, जिस दिन आप पूरा वर्गीकरण पढ़ेंगे, साथ साथ संख्याओं का निरूपण करना सीख लेंगे, संख्याओं का रिप्रेजेंटेशन करना सीख लेंगे, उसी दिन ये पूरा टॉपिक आपका एक साथ कवर हो जाएगा, जो 2 से 3 मार्क्स आपको जरूर देगा। मैं आपको ऐसे ऐसे प्रश्न दिखाऊंगा जो कि पूछे गए हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे अधिकतम होगी, वो सारी चीजें एक एक करके हम लोग यहाँ पर चलेंगे। कुछ और बातें भी मैं इसमें शेयर करूंगा जब मैं आपको पढ़ाना शुरू कर दूंगा इसको, तो नंबर से रिलेटेड बहुत सारी और चीजें होती है, जैसे शून्यों की संख्या ज्ञात करना, इकाइयों को नोटिस करना, जातीय मान, स्थानीय मान को नोटिस करना,
शेषफल को ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना, तो ये सब कुछ भी आपकी परीक्षा का ही पोर्शन है, पाठ्यक्रम का ही पार्ट है, वो अलग से नहीं रहता है, संख्या पद्धति पे ही चल के कंटिन्यू होता है। आगे मैं बढ़ूंगा तो देखिए यहाँ पर फिर उसी तरह से जैसे भिन्न को अलग से मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि संख्या पढ़ने के दौरान भिन्न जब पढ़ रहे दशमलव भी पढ़ेंगे। मैं आपको फ्रैक्शन इसने लिखा है, मैं यहाँ पर डेसिमल भी लिख देता हूँ। तो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो केवल फ्रैक्शन नहीं रहेगा, इन्वॉल्व विद डेसिमल रहेगा, इंक्लूडिंग विद डेसिमल रहेगा, मतलब भिन्न रहेगा और दशमलव रहेगा। अब देखिए इसने शुरुआत अलजेब्रा से करी है, क्योंकि देखिए यहाँ भी कैलकुलेशन होगा, तो कैलकुलेशन इंडप कहाँ से होगा मैं आपको बता दूं, सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन मतलब सरलीकरण से इंडप होगा, सरलीकरण से इंडप होगा। तो सरलीकरण में भिन्न, दशमलव और उसके जितने भी अलग अलग स्वरूप होते हैं, मतलब पूरा बॉडमास रूल, पूरा बॉडमास रूल, बॉडमास रूल के साथ साथ देखिएगा इसमें अलजेब्रा का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है वो भी इंक्लूड हो जाएगा, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का, तो अलग अलग जितने भी सर्वसमीकरण होती है इंक्लूड कर दिया जाता है। अलजेब्रा जब पढ़ेंगे तो अलजेब्रा को हम पूरी तरह से उसमें समीकरण का स्वरूप पढ़ेंगे, समीकरणों के तरीके पढ़ेंगे, उसके प्रॉपर्टीज, उसके सिद्धांतों को पढ़ेंगे, लेकिन इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा चला जाएगा आपका इसी सरलीकरण के साथ ही इन्वॉल्व हो जाएगा। मैथ्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है जो कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसको हम अनुपात और समानुपात कहते हैं। अधिकतर जब मैं किसी भी एक द्विवर्षीय परीक्षा के लिए मैथ्स स्टार्ट करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि एक मैथ्स का भाग होता है परसेंटेज, आप सुने होंगे जानते होंगे, परसेंटेज को सबसे बड़ा पार्ट माना जाता है मैथ्स का, अर्थमेटिक का, अंगणित का, लेकिन उससे कम किसी भी हालत में अनुपात समानुपात को नहीं आंका जाता है। अनुपात समानुपात भी उसी प्रकार से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जितना कि परसेंटेज करता है। मैं दोनों में किसी एक को कम ज्यादा नहीं कह सकता हूँ, दोनों को बराबर मान के चलता हूँ। अनुपात समानुपात अगर हम यहाँ पर लिख दिए हैं तो कुछ चीजें हिडन है इसमें, जैसे इसमें आयु संबंध हिडन है, आयु संबंध मुझे पढ़ाना पड़ेगा, श्योर पढ़ाना पड़ेगा, मतलब जिसको एज रिलेशन आप कहते हैं। एज रिलेशन के साथ साथ मैं आपको बता दूं इसमें एक और चीज होती है पार्टनरशिप, जिसको आप साझेदारी कहते हैं, पार्टनरशिप जिसको आप साझेदारी कहते हैं, ये भी इसी के साथ पार्ट रहेगा। मतलब केवल आप अनुपात समानुपात नहीं पढ़ेंगे, अनुपात समानुपात पढ़ेंगे तो इन दोनों टॉपिक्स को भी आपको कवर करना पड़ेगा, आयु संबंध को भी और साझेदारी को भी। ज्योमेट्री देखिए वहां पर भी मैंने डिस्कस किया, यहाँ भी ज्योमेट्री है, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज हैं, जैसे 2D फिगर है तो 2D फिगर में त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, आपके आयत हो गए, वर्ग हो गया, आपकी जो है समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, काइट हो गया, तो सारे जितने भी 2D फिगर है उनके जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, उनके जितने भी बेसिक, देखिए वो दो तरह से पढ़े जाते हैं हर फिगर को, एक तो मेंसुरेशन पर पढ़ा जाता है, दूसरा ज्योमेट्री पर पढ़ा जाता है। मेंसुरेशन में एरिया पेरीमीटर फाइंड करने पे बात की जाती है, ज्योमेट्री पे कोणों और रेखाओं के बीच संबंध स्थापित करने के ऊपर बात की जाती है। तो हम यहाँ पर बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज पढ़ रहे हैं इनके, ना कि हम मेंसुरेशन का सेक्शन कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ इसी तरह से एलिमेंट्री शेप्स को हम जैसे उसमें 2D एंड 3D के बारे में बात कर रहे थे, वहां यहाँ पर भी हम चल करके उसी सारी चीजों को यहाँ पर कवर करेंगे, मतलब 2D फिगर भी पूरा का पूरा और 3D फिगर भी पूरा का पूरा इंक्लूड किया जाएगा। सिमेट्री एक 10th स्टैंडर्ड में मैथ्स में पार्ट होता है, जिसको हिंदी में सममिति कहते हैं, सममिति कहते हैं, सममिति और साथ में रिफ्लेक्शन मतलब प्रतिबिंब दिया है। अब आपकी मैं जानकारी के लिए बता दूं कि कौन सममिति होती है, जैसे कि आपने ए लिख दिया तो ए को ऐसे काट दीजिए, सॉरी ए लिख दिया ए को ऐसे काट दीजिए, तो ऐसे दो फोल्ड, जैसे कहते हैं दो फिगर एक दूसरे के सिमेट्रिकल होते हैं, अब दोनों हाथ आपके देखिए एक दूसरे क्या है, सिमेट्रिकल है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर एक्जेक्टली फिट हो जाते हैं। बी को देखिए आप सिमेट्रिकल बना सकते हैं, सी को बना सकते हैं, डी को बना सकते हैं, ई को बना सकते हैं, बट एफ देखिए आप कहीं से काट के देखिए फिर से फोल्ड करिए नहीं फोल्ड होगा, जी की बात करिए कहीं से काट के देखिए आप फोल्ड कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, आयत को कर सकते हैं, ठीक है, वर्ग को कर सकते हैं, वृत्त को देखा जाए, इस तरह से हम फिगर को एक दूसरे के ऊपर फोल्ड करके देखने की कोशिश ही, या एक दूसरे के ऊपर एग्जैक्टली जो ओवरलैप कर जाते हैं उन्हीं को हम लोग सिमेट्रिकल फिगर मान के चलते हैं, ज्यामिति फिगर मान के चलते हैं, उसको पढ़ेंगे साथ साथ उसके प्रतिबिंब के बारे में जानकारी रखने की कोशिश करेंगे। कंस्ट्रक्शन निर्मेय जिसको कहा जाता है, जिसमें कि लाइन बनाना, कोण बनाना और इनकी जितने भी प्रॉपर्टीज, हालांकि बनाने से संबंधित आपकी बातें नहीं की जाएगी, लेकिन उनकी जितनी भी थ्योरम्स होती हैं, उनके जितने भी सिद्धांत होते हैं, उनको आपको एक एक करके रीड करना होगा। मेंसुरेशन फिर लिख दिया, अब मेंसुरेशन लिखने से ही 2D फिगर भी दिमाग में आता है, 3D भी आता है, मतलब हम मापन कर रहे हैं, हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, हम आयत के परिमाप ज्ञात करेंगे, हम वॉल्यूम क्षमता ज्ञात करेंगे,
हम सरफेस एरिया ज्ञात करेंगे, पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो हर प्रकार की बातें हम लोग यहाँ पर मेंसुरेशन के अंदर ही देख कर आते हैं। डेटा हैंडलिंग मैंने वहां भी डिस्कस किया था, यहाँ भी डेटा हैंडलिंग है। कलेक्शन को रीड करना, कलेक्शन को एनालाइज करना डेटा हैंडलिंग का सेगमेंट होता है, डेटा हैंडलिंग का पार्ट होता है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इतना तो हमने आपको डिटेल दिया कि सिलेबस का पाठ्यक्रम का आम अंग है, पाठ्यक्रम का आपका पूरा सेक्शन मैंने आपको डिटेल बताया। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, हम लोग बैच जब प्लान करते हैं, किसी भी बैच की मैं बात करूंगा, जब आप बैच स्टडी करते हैं हमारे यहाँ संस्थान में, हम आपको जो प्रोवाइड करते हैं मैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दूंगा। जैसे रेगुलर आपकी क्लासेस रहेंगी, रेगुलर आपकी क्लासेस रहती हैं, ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, स्पेशली मैथ तो आपका लाइव ही रहता है किसी भी हालत में। लाइव के क्लास के बाद हम लोग इसमें जो है लाइव क्लास देते हैं, मतलब जो आपको रेगुलर मिलेगा, साथ साथ इस पर रिलेटेड प्रैक्टिस सेट और हैंड रिटन नोट्स, संभवतः जितने भी पॉसिबल आपको हैंड रिटन नोट्स हो सकते हैं, जितने टॉपिक्स हो सकते हैं, उसको हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं बार बार रिकमेंड करता हूँ कि आप हैंड रिटन नोट्स को अपने से बनाने की कोशिश करें, जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए खुद की भाषा में शब्दों को लिखें और वहीं से अंडरस्टैंडिंग अपनी बनाएं। प्रैक्टिस सेट हम अपने संस्थान की तरफ से ऑथेंटिक्स प्रोवाइड करेंगे, किसी किताब बुक को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप यहीं से प्रैक्टिस सेट लीजिए, सॉल्व करिए, सॉल्व करके हमको रिस्पॉन्स करिए। दूसरी बात, यह बैच जो आपका चलाया जाएगा, बैच ओनली फॉर द सीटेड एग्जामिनेशन रहेगा और किसी भी एग्जाम को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्लास एक भी रिकॉर्डेड आपको नहीं मिलेगी, सारी की सारी क्लास आपकी लाइव ही मिलेगी आपको। तो ये, और लास्ट में जब हम लोग कोर्स कवर कर लेते हैं, तो कोर्स कवर करने के जैसे परीक्षा के 2-4-5 दिन पहले टेस्ट सीरीज आयोजित करी जाएगी संस्थान की तरफ से, जिसमें आपको पूरी तरह से पार्टिसिपेट करना पड़ता है। ये सब कुछ एक पैटर्न होता है, एक सिस्टम होता है, सिस्टम का पार्ट होता है। अब मैंने इतनी बातें बताई आपको, हालांकि आप मेरे से पहले से भी इंटरेक्टेड होंगे, पहले से मुझे जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे पाठ्यक्रम से संबंधित बातें भी किया जाए, पाठ्यक्रम को भी देख करके हम लोग आगे बढ़े। तो मैं पाठ्यक्रम से संबंधित कुछ बातें आपसे करने जा रहा हूं, कुछ ऐसे बेसिक कैलकुलेशंस को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि हम लोग को बड़ी प्रॉब्लम देते हैं, चाहे जो परीक्षा हम देते हैं। हालांकि हम सीटेट की भी बात कर रहे हैं, जहां पे जोड़ घटाव गुणा भाग एक स्पेशल पार्ट रखा गया है, मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे कैलकुलेशन जो कि आपको निसंदेह प्रॉब्लम देते हैं, उन कैलकुलेशन को हम लोग एक एक करके थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ एक जोड़ दिया गया है, आप देखेंगे तो एक जोड़ दिया गया है, हालांकि हम इतने अनभिज्ञ नहीं है मैथ से, हमको जोड़ आता है स्पेशली, बट जब मैं लिख रहा हूँ तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कारण होगा। आपको इस प्रकार के अगर जोड़ कभी दिए जाते हैं और आपसे कैलकुलेशन करने के बाद इसके रिस्पॉन्स या रिजल्ट की बात की जाती है, तो एक कन्फ्यूजन आता है दिमाग में कि हमको इस तरह के जोड़ को हम कैसे ईजी बनाएं। मैं एक दो सिस्टम आपको बताऊंगा जिससे कि आसान कर सकते हैं। हमारे अंदर कमी कहाँ है मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपकी जो सोच होती है वो यहाँ तक होती है कि हम या तो पूरा सीक्वेंस लिख डालें, इकाई से जोड़ना शुरू करें, इकाई से जोड़कर जो रिजल्ट पाएं वही हमारे जोड़ का उत्तर हो जाएगा। बट प्रॉब्लम यही है, प्रॉब्लम ऐसे है जैसे कि जब तक आपको समस्या नहीं, जब तक आपको इस तरह की संख्याएं जोड़ने को मिलेंगी, जैसे 5-3 जोड़ दिया, 5 में 2 जोड़ दिया, 3 में 7 जोड़, 3 में 4 जोड़ दिया, समस्या नहीं है। समस्या तब है जब 5 में जैसे हमने 8 जोड़ दिया, जब हम 5 में 8 जोड़ते हैं, सर कहते, सब कहते, सर कहते सर 13 आएगा आंसर। मैं भैया आपसे कहूंगा अगर आपने 5 में 8 जोड़ा तो 13 आया, और 9 में 6 जोड़ दूं तो 15 आएगा, तो क्या इसका उत्तर सही माना जाएगा? नहीं। कभी भी जैसे 5 में 8 जोड़ने से आपको 13 नहीं मिलता है, 5 में 8 जोड़ने से आपको जो एडिशन होता है, जो योग होगा, वो 3 मिलता है, 1 हासिल मिलता है, कैरी 1 मिलता है, तब ये 1 जाके बगल के साथ ऐड होता है तो मिलकर 13 बनता है। हर एक सिस्टम को समझने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर हम प्रयास करें कि हमारे जोड़ में कभी कैरी ना बने, कैरी अगर बन गई तो प्रॉब्लम देता है, कैरी ना बनेगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, या मिनिमम बनेगी तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम भी अपने जोड़ को, जो चाहे जितने बड़े हों चाहे जैसे हों, हम उनको इस तरह से कुछ एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि आसान बन जाए और जल्दी से उत्तर हमको प्राप्त हो जाए। मैं इसी जोड़ की बात कर रहा हूँ, ना तो मैं सिक्वेंस से लिखूंगा सबको, ना तो मैं प्रयास करूंगा कि इकाई कहीं पर हासिल आए, मैं पूरी तरह से सिस्टम को बहुत ही ओरली उंगलियों पर ऐड करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि जल्दी से जल्दी आप रिस्पॉन्स कर पाएं, रिजल्ट दे पाएं। देखिए मैं 2 पैटर्न आपको बताऊंगा, एक तो मैं ऐसे ही आपको कैलकुलेट कराऊंगा उंगलियों से, दूसरा मैं एक डिजिट सम का कॉन्सेप्ट बताऊंगा जिससे कि और हम इजीली ऑप्शन की मदद से भी आंसर कर पाए। देखिए आपने जब इसको जोड़ा तो सबसे पहले ऐसे सोच लिया करें, जैसे मेरे अकाउंट में कहीं से कुछ पैसे आ रहे हैं और वो पैसों की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि अगर आप थोड़ी सी भी गलती कर दोगे तो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर, बुरा इम्पैक्ट आपके ऊपर पड़ेगा, इसलिए केयरफुल रहने की जरूरत होती है, हमें केयरलेस रह करके काम नहीं हो पाएगा। तो मैं केयरफुल रह करके इन एडिंग को करता हूँ। जैसे मैंने कहा, मेरे पहली चीज तो मैंने देखा सबके सब 4 डिजिट की संख्याएं थी, अगर किसी में कोई 3 डिजिट का होता तो उसको भी 4 डिजिट बना लेते 0 पहले लगा के, अगर कोई 5 डिजिट का होता तो सबको 5 डिजिट बना लेते सबके पहले 0 लगा के, ठीक है, सब 4 डिजिट है तो मेरे लिए बढ़िया सिस्टम है। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि मेरे अकाउंट में सबसे पहले 8000 आया, मैं पूरे नंबर्स को नहीं रीड कर रहा हूँ, मैंने कहा मेरे अकाउंट में 8000 आया,
फिर 2000 आया तो 10000 हो गया, फिर 5000 आया तो 15 हो गया, फिर 4000 आया तो 19000 हो गया, मेरे अकाउंट में 19000 रुपए आ चुके हैं। चाहे तो आप यहाँ पर थोड़ी सी सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर 19000 रख दीजिए, अदरवाइज आप ऐसे भी सोच कर चलिए तो 19000 आपके दिमाग में जहन में रखा हुआ है। फिर मैंने कहा भैया 900 आया, किसी ने कहा 300 और ले लो, 1200 हो गया, 200 और आ गया 1400 हो गया, 200 और आ गया 1600 हो गया, 19000 था ही, 1600 और आया तो 20600 हो गया, 1600 हुआ ना तो 20600 हो गया। 1600 को चाहे तो आप ऐसे लिख दीजिए, अदरवाइज लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास आपके अकाउंट में 1600 आ चुका है, मतलब 20600 हो चुका है। फिर मैं कहूंगा भैया 70 आया, 70 40 110 हो जाता है, 110 70 180 हो गया, 180 90 270 हो गया, 270 और आ गया, आपके पास 20600 थे, 20600 में 270 अगर हमने जोड़ दिया तो 270 जोड़ते ही तो 20000 आपका जो 600 था वो 870 हो जाएगा, 800 कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। अब आप सोचिए कि आप चाहे तो लिख दीजिए यहाँ पर 270, अदरवाइज आप जानते हैं कि 270 मतलब 20870 आपके अकाउंट में आ चुका है। फिर देखिए जो कॉइन्स हैं सिक्के उनको जोड़िए, 5 2 7 रुपया, 7 6 13 13 2 15, 15 और 70 में जुड़ेगा तो 85 हो जाएगा, 20885 रुपये आपके अकाउंट में हो गए, जो कि यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में आपको लिखा गया है। यहाँ पर 15 आप लिख दीजिए, मिनिमम हासिल आया जैसे देखिए 5 हुआ 8 हुआ 8 हुआ 9 1 10 2, 20885 रुपये आपके अकाउंट में आ चुके, जो कि पहले ही ऑप्शन में आपको उत्तर दिया गया है। बहुत सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ओरली अगर आप करते जाएंगे तो बहुत जल्दी रिस्पांस कर पाएंगे। इवन कुछ लोग तो ऑप्शन को मैच कराते रहते हैं, कोई ऑप्शन उससे संबंधित आ रहा तो वही टिक करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा भी एक पैटर्न मैं और आपको बताऊंगा डिजिट सम का। डिजिट सम में आप देखिएगा तो हम डिजिट को जोड़ करके आंसर को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि कौन सा उत्तर हमारा सही है कौन सा हमारा गलत है। डिजिट सम मतलब कुछ ऐसे होता है, जैसे अगर 27 कहीं लिखा है तो डिजिट सम हो गया 9, 7 2 जोड़ दिया कितना हुआ 9, कहीं 11 लिखा है तो डिजिट सम हो गया 2, कहीं अगर 10 लिखा है तो डिजिट सम हो गया 1, मतलब डिजिट को जोड़ दिया जाता है। ठीक है, कहीं भी कितनी भी डिजिट्स हैं डिजिट को जोड़ करके सिंगल डिजिट बनाना डिजिट सम कहलाता है। अब आप अपने प्रश्न की बात करिए, जिस प्रश्न को भी अगर हम डिजिट सम में अगर लेके चलें तो मैं आपको सियोरिटी के साथ कह रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में कोई भी एक्सप्रेशन होगा, कोई भी समीकरण होगा, जो समीकरण जो क्वेश्चन का डिजिट सम होगा वही का वही उत्तर का भी डिजिट सम होगा। ये केवल यही नहीं लागू होगा, पूरी की पूरी मैथ्स में कहीं भी किसी भी समीकरण में लागू होगा। मैंने इनमें डिजिट सम करने की कोशिश करी, आप लोग मेरी बात को खूब अच्छे से ध्यान देने की कोशिश करिएगा। 9 8 17 9 8 17 17 का मतलब 8, कैसे 1 और 7 मिलके क्या 8, तो यहां हो गया 8, फिर 8 7 15 15 का मतलब 6 6 5 11 11 का मतलब 2, इसका डिजिट सम हो गया 2। ध्यान दीजिएगा सब लोग, मैंने कैसे किया मैं एक बार फिर से आपको समझा दूं। 9 8 17 17 का मतलब 8, 8 7 15 का मतलब 6 6 5 11 का मतलब 2। चलिए इसी तरह से मैं इसको कर रहा हूं, 2 3 5 5 4 9 9 2 11 11 का मतलब 2, 5 2 7 7 7 14 14 का मतलब 5 5 6 11 11 का मतलब 2, 4 2 6 6 9 15 15 का मतलब 6 6 2 8, केवल क्या होगा 8। सब में देखिए प्लस लगा है, 2 2 4 2 6 6 8 14 14 का मतलब कितना 5, क्वेश्चन का डिजिट सम हो गया 5। अब आ जाइए ऑप्शन पे, पहला ऑप्शन हमने देखा 8 2 10 10 का मतलब 1 1 8 9 9 5 14 14 का मतलब 5। ऑप्शन का जो डिजिट सम इस ऑप्शन का था वही क्वेश्चन का था, इसलिए यही ऑप्शन आपका सही उत्तर माना गया, आपका ऑप्शन सही उत्तर हो गया, डिजिट सम से हमने उत्तर बता दिया। इस तरह के सम को हम डिजिट सम से भी रियलाइज कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, आप आंसर दे सकते हैं, ऐसी कोई समस्या की बात नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब आप थोड़ा सा जैसे आगे बढ़ो, देखो ऐसा सम आया जिसमें जोड़ भी है घटाओ भी है। अब यहां पर भी लोगों को कंफ्यूजन आती है कि सर इसमें हम क्या करें, दो बार जोड़ें फिर दो बार घटाने वाले को जोड़ें फिर उनको घटाएं तो 3 3 स्टेप्स लगाएं, इससे बेहतर है कि हम ना करें, ये स्थिति आ जाती है कभी कभी एग्जाम में जब हमारे पास बहुत लिमिटेड टाइम बचा होता है, ऐसे प्रश्न लिखते हैं तो लगता है कि यार आ जाएगा लेकिन मेरे पास समय नहीं कर पा रहा, इसलिए ऐसे उस समय बड़ी उलझन होती है, बड़ी इरिटेशन आती है कि सोचो बताया आता हुआ चला जा रहा है मेरे हाथ से, ऐसे समय आपको दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे पहले तो मैं उसी तरह से अकाउंट वाला काम करता हूँ, मैंने कहा मेरे अकाउंट में 9000 आया, 4000 किसी ने निकाल दिया तो 5000 बचा, 5 में फिर 8000 किसी ने डाल दिया 13 हो गया, 13 में फिर 3 निकाल दिया तो मेरे अकाउंट में 10000 हो गया, मेरे दिमाग में भी 10000 है, समझ लीजिएगा हम बोर्ड पे लिख नहीं रहे, 10000 मेरे दिमाग में है। फिर मेरे अकाउंट में किसी ने 700 डाला, किसी ने 200 निकाल दिया तो 500 बचा, 500 में फिर 200 डाल दिया 700 हो गया, 700 में देखो 200 निकाल दिया फिर 500 बच गया, तो 500 मेरे अकाउंट में बच गया, कितना 500 मेरे अकाउंट में 500 बच गया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को।
फिर किसी ने 50 डाला तो 30 निकाला तो 20 बचा, 20 में 70 और किसी ने डाल दिया तो 90 हो गया, 90 में 40 निकाल दिया तो 50 बच गया, फिर मेरे अकाउंट 50 बच गया। फिर देखो 8 डाला किसी ने, 4 निकाला तो 4 बचा, 4 में 6 और पड़ गया तो 10 हो गया, 10 में से 3 निकल गया 7 हो गया। देखिए 7 5 5 0 1 10,557 जो कि सेकंड ऑप्शन में आपको साफ साफ नजर आ रहा है, यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। बहुत ही जल्दी दे सकते हैं, आपको समझने की जरूरत इतनी है कि एक बार गंभीरता से बस समझ लीजिए, आंसर करने की समस्या नहीं होगी ना तो कोई प्रकार की कंफ्यूजन बनकर आएगी। ठीक है, आगे देखते हैं, देखिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगले प्रश्न में देखिए, जैसे हमारे सामने ये परीक्षा में प्रश्न देखा गया, इस तरह का आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है। हमारे पास 1 है, फिर 11 है, 111 है, 1111 है, 11111 है। अब जब इस तरह के प्रश्न अगर नजर आएंगे तो हम उसको कैसे ऐड कर पाएंगे, मेरी बात को ध्यान देने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे जो सिस्टम है उसमें हम आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए। अब इसमें ओरल है प्रश्न, क्योंकि ये देखिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेट करता हुआ बहुत कुछ है, लेकिन यह तो बेसिक एक कॉन्सेप्ट ही है। जब आपको इस तरह की 1 2 3 4 ऐसे लाइंस नजर आएंगी तो आपको लिखने का सिस्टम देखिए क्या है, 1 लिखा, 11 लिखा, 111 लिखा, 1111 लिखा, 11111 लिखा। अब आप जोड़ देंगे तो 1 हुआ 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ 5 हुआ। ओरली ऐसे प्रश्न करने जा रहा है तो उत्तर 1 2 3 4 5 लिख दीजिए, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आप इसको भी डिजिट सम से मैच करा सकते हैं, आप डिजिट सम के हिसाब से देखिएगा तब भी उत्तर आएगा, फिलहाल ऐसी कोई आवश्यकता तो पड़ेगी नहीं। 1 है 2 है 3 है 4 है 5 डायरेक्ट ऐसे अगर कभी भी 4 6 तक लिखा होता तो 6 तक चले जाते, 4 तक लिखा होता 4 तक रह जाते, यहां से हम आंसर को रिलेट कर सकते हैं। अब देखिए, अब इसी तरह के देखिए एक प्रश्न और नजर आया हमारे सामने। अब इसमें कंफ्यूजन लोगों को बनती है, बहुत सारे लोग इसको देख के कंफ्यूज होते हैं, सर ये 0.1 है 0.11 है, तो लिखने का पैटर्न इसका क्या है, बहुत सारे लोग गलती से जब कहेंगे सर उसका 1 2 3 4 5 होता है, इसका 0.1 2 3 4 5 कर दें, ऐसा करना गलत हो जाएगा, क्योंकि लिखने का सिस्टम देखिए 0.1 0.11 0.111 0.4 times 1। अब मतलब आगे की तरफ लिखा जा रहा है, अगर आप सोचें तो आगे की तरफ लिखा जा रहा है तो 0.54321 आ रहा है। यहां पर भी इसको ऐड करें तो 0.54321 यह इस प्रश्न का आंसर होगा, या इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। उत्तर क्या हो गया, 0.54321 इस प्रश्न का सही आंसर बनकर आएगा। उल्टा हो रहा है, मतलब ध्यान देने की जरूरत है हम लोग को। अब देखिए इसी से रिलेट करते हुए ऐसे प्रश्न और आते हैं जिसमें दोनों चीजें कंबाइंड होती हैं, मतलब देखा है आपने क्या क्या कंबाइंड है। अब यहां पर देखिए हमारे सामने क्या सिस्टम बनकर आ रहा है, आप खुद ही ध्यान दे रहे हैं, मतलब ऐसी दशाओं में हमारे सामने दो पार्ट है, दशमलव के पहले का भाग है, दशमलव के बाद का भाग है ना, तो इसको थोड़ा रिलेट करिए। दशमलव के जो पहले के भाग है उनको सोचिए पहले क्या है, दशमलव के जो पहले के भाग है उनको थोड़ा समझना पड़ेगा वो क्या है। जब मैंने यहां पर देखा नोटिस किया तो 8 था, यहां भी 8 था, यहां भी 8 था, यहां भी 8 था, कितनी बार 8 है, 4 बार, तो आप लिख दीजिए सबसे पहले 32, दशमलव के पहले के भाग को अलग कर लीजिए, हो गया 32। आगे बढ़ेंगे, अब आगे बढ़ने के बाद जैसे ये 8 हट गए तो 0.8 है, 0.88 है, 0.888 है, 0.4 times 8 है, तो आपको अगर 8 वहां से कॉमन ही कर लें तो 8 कॉमन करते ही वैल्यू बचेगी 0.4321। आप सोचोगे ये सर कैसे आ गया, भाई देखो सबसे पहले जैसे इसका 8 हटाओ, इसका 8 हटाओ, इसका 8 हटाओ, इसका 8 हटाओ, मैंने इसकी जगह 32 लिख लिया पहले से, तो बचा क्या 0.8 0.88 0.888 0.4 times 8, तो मैंने उनमें से अगर 8 कॉमन कर लिया तो बचा क्या 0.1 0.11 0.111 0.4 times 1। अभी अभी हमने बताया कि अगर पॉइंट में टर्म रहते हैं तो पॉइंट में उल्टा शुरू किया जाता है, जैसे कि 4 पदों तक है तो 0.4321 हमारे सामने हो गया। इसका गुणा कर दीजिए, 8 हुआ, 8 दुना 16 कैरी 1 हुआ, 8 त्रिक 24 एक 25 कैरी 2 हुआ, 8 चौके 32 2 34 हुआ, 0.4 अंकों पे लगा 3.4568 है, लाके जोड़ दीजिए 32 3 35 हो गया 35.4568, यह इस प्रश्न का सही उत्तर है, यह इस प्रश्न का सही उत्तर। इसका पूरा सम 32 आ रहा है, इधर हमारे पास ऐड होने पे 3.4568 आ रहा है, इसको सिंपली जोड़ दिया तो इसमें 32 3 35 हो गया 0.4568, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ। आगे देखिएगा, इसी तरह से जैसे अगर इसी के रूप में आपसे पूछा गया एक प्रश्न और दिखा, यहां भी हमारे सामने एक सिस्टम बनकर आया। कभी इस तरह में एक कंफ्यूजन लोगों के जहन में और आता है, जैसे 1 से ही 1/2 लिखा है, कुछ लोगों को लगता है सर 1 गुणे 1/2 है क्या, तो ये पूरी तरह से गलत है। अगर कहीं 1 से ही 1/2 लिखा तो इसका मतलब आपकी जानकारी के लिए 1+1/2 होना चाहिए, मतलब ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ है, इसलिए यह भी जुड़ा है, यह भी जुड़ा है, यह भी जुड़ा है, यह भी जुड़ा है, मतलब अगर आप एक्सप्लेनेशन इसका पूरा करें, 1+1/2 + 1111 + 1/2 + 1111 + 1/2 + 1111 + 1/2, तो इसलिए पहले इनको अलग करिए, 1111 1111 1111, तो हो जाएगा 1 2 3 4, भाई अभी जोड़ा था हम लोगों ने,
बाकी क्या देखिए, एक बटा दो, एक बटा दो एक, फिर इनका भी जोड़ दीजिए, आधा आधा एक, आधा आधा एक, एक एक दो, दो सिंपली इसमें जोड़ दीजिए, उत्तर एक दो तीन चार छह, एक दो तीन छह हो गया, चार में दो जुड़ा तो छह हो गया, आंसर 1 2 3 6 हो गया। समझ में आई बातें, सब क्लियर हुई आपको, जरूर हुई होगी, मैं आपको श्योर कर दूं कि यहां पर इस तरह की कोई भी कंफ्यूजन पे आपको फंसने की जरूरत नहीं है। हालांकि यह बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन था जिसमें हमने आपको पैटर्न से संबंधित, मैं बहुत न्यूमेरिकल्स नहीं करा रहा हूं आपको, पैटर्न से संबंधित बातें डिस्कस कर रहा हूं। हम लोग की यह एक शुरुआत की क्लास है, यह श्रृंखला एक कड़ी अब कंटिन्यू रहेगी आपके लिए, जब चीजें आपकी प्रॉपरली अनाउंस्ड हो जाती है उसी सीक्वेंस में, उसी कड़ी में हम लोग पब्लिकली मिलते रहेंगे, बैच में मिलते रहेंगे। तो बहुत जल्दी चीजें आपकी सहमित हो जाएगी, नियमित हो जाएगी, उसी तर्ज पर हम लोग मिलते रहेंगे। बहुत जल्द ही अथेंटिक सूचना आपके संस्थान से रवि सर लेकर आएंगे और सारी जानकारी आपको डिटेल में देंगे कि आगे क्या सिस्टम, क्या पद्धति बनने जा रही है। आशा करता हूँ ये बातें समझ में आई होगी जितना कुछ मैंने बताया, और उम्मीद करता हूँ कि आगे इसी तरह का एक लगाव, एक तरह का सिक्वेंस हम लोग के साथ बना रहे। मैं जल्दी ही नेक्स्ट इसका अगला पार्ट, शुरुआत से जहां पे बेसिक से आपकी स्टार्ट करा जाएगा, जिसमें पेपर वन पेपर टू दोनों इंक्लूडेड रहेगा, वहां से मैथमेटिक्स में स्टार्टिंग करूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट टर्म में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।